जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर क्लर्क की मेरिट लग चुकी है, सभी की लगभग मेरिट आ चुकी है। मेरी नज़र में एक एआरओ बचा है, वो हमीरपुर है शायद, उसकी मेरिट अभी तक नहीं आई है, वो भी दोस्तों आ ही जाएगी। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं हम इस बात पे कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी कि भाई जल्दी मेरिट लगेगी और कल ही मेरिट लग गई दोस्तों, पहली वीडियो थी मेरी। और दोस्तों, जिन जिन का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई है, और जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, वो निराश ना हो बिल्कुल भी। आप लोग हिम्मत बनाए रखें और डटे रहें, अपनी तैयारी एक बार फिर से करें अगर आपकी उम्र बचती है। दोस्तों, अब आती है बात मेरठ एआरओ की, कि बहुत से भाई पूछेंगे कि हमें जाना कब है। तो दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको 8 तारीख सुबह 7 बजे जाना है, जिनका मेरिट में नंबर आ गया है दोस्तों। और दोस्तों, ये लिस्ट है, ये एआरओ के बाहर लगी हुई है, ये रात ही लग गई थी। और ये मैं आप लोगों को बताऊं, ये सुबह जाके हमने अपना तरीके से मंगाई है, भाइयों से जो अपने भाई थे उनसे मंगाई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग 8 तारीख से पहले एआरओ ना जाएं, बिल्कुल आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि एआरओ ना जाएं। और एआरओ 8 तारीख में अगर आप जाएंगे तो सुबह 7 बजे रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कैसे करेंगे दोस्तों? आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा 8 तारीख में, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा पूरा। आपको केवल अपना अपनी मार्कशीट, आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर लेकर जाना है। वहाँ पे आपको कर्नल साहब सभी जानकारी देंगे, सभी तरीके से समझाएंगे कि कब आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने हैं। और रही डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने की बात दोस्तों, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, मैं आप लोगों को इस लिस्ट को बताना चाहूँगा। आपको 8 तारीख को डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है, आपको 8 तारीख के बाद जब भी कर्नल साहब बताएंगे तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो दोस्तों, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, अब की बार मेरठ एआरओ में क्लर्क में 98 वैकेंसी, यानी कि बम्पर वैकेंसी आई है पहली बार। आज तक इतनी वैकेंसी नहीं आई है, आप लोग लगा सकते हैं 1125 जीडी में, 207 टेक्निकल में, 100 ट्रेडमैन 10th वाले, और इतने ही लगभग 70-80 के करीब ट्रेडमैन 8वीं वाले, और 98 आपके क्लर्क वाले। देख सकते हैं आप कितनी वैकेंसी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में दोस्तों इतनी ही वैकेंसी आपको मिलेंगी, क्योंकि तैयारी आप करते रहे, लगभग इतनी वैकेंसी, क्योंकि मेरठ एआरओ बहुत बड़ा एआरओ लगता है दोस्तों, 13 जिले आते हैं और इस 13 जिलों की व्यवस्था बहुत ही तरीके से करानी पड़ती है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन होगा, या अगर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं कि भाई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या वेरीफाई होना है, क्या क्या वेरिफिकेशन होना है, क्या क्या हमारा ये होना है, मतलब अटैच किसी अधिकारी से अटैच करा के लाना है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन होनी है, दोस्तों इसकी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।